मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, एकदम ठंड लग रही है बहुत ज़बरदस्त। और अपनी गाड़ी वो खड़ी, और आज का हमारा होम स्टे यहाँ पे था और बहुत बढ़िया मज़ा आ गया। रात को नींद बढ़िया, बहुत बढ़िया आई, बहुत मज़ा आ गया सोने में रात। सारा सामान सेट हो चुका है, नाश्ता आ गया, नाश्ता कहीं वहाँ जाके भी, धूप भी निकल गई। देखिए आप, नाश्ता आ गया, नाश्ता करते हैं, चलते हैं फिर। निकलने का समय आ गया है पेंगोंग लेक से, और अभी चल रहे हैं। ड्रोन उड़ाना यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो हमने ड्रोन नहीं उड़ाया। इस वजह से ये देखिए, ये बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पे, ये देखिए, मैं ऊपर भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए बर्फ़ जमी हुई है सारे में, इतनी ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है। और खैर ऊपर तो बर्फ़ पड़ी भी है, ये देखिए कितनी बर्फ़ है, देख रहे हो, बहुत बर्फ़ जम रही है, पानी में बर्फ़ जम रही है एकदम, इतनी ठंड थी। अब अंदाज़ा लगा लो आप कितनी ठंड थी। क्या जैसे कल आपने जाम देखा था, रास्ते में जाम बहुत ज़्यादा था, जब हम पेंगोंग लेक आए सारी थकान दूर हो गई देखकर, इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया, इतनी ब्यूटीफुल लगी देखकर। पहली बार आए हम तो, और सारी थकान दूर हो गई थी, मतलब रात इतनी बढ़िया नींद आई, बहुत बढ़िया, ठंड बहुत ज़्यादा थी, अब भी ठंड है। अभी हम जा रहे हैं पेंगोंग लेक के पास, चलते हैं आपको लेकर। देखिए गाइस, जब सूरज की किरणें पेंगोंग लेक पर पड़ती है तो कितनी ही ब्यूटीफुल लगती है, बहुत बढ़िया नज़ारे एकदम मस्त। ये देखिए उधर आप, ऊपर बर्फ भी पड़ी हुई है, रात ही पड़ी है ऊपर बर्फ, ठंड बहुत है। हवा आपको पता ही लग रहा होगा कि कितनी तेज हवा चल रही है। अभी चलते हैं पेंगोंग लेक के पास, और यहाँ पे स्कूटर भी हैं, ठीक है, ये भी है, इनका मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, इसका मुझे पता है स्कूटर है। एंगल्स का क्या चार्ज है, और इसका स्कूटर का चार्ज है पर पर्सन 50 रुपीज़, और इसमें 3 जनों का 100 रुपये हैं। चलते हैं पेंगोंग लेक की तरफ। फिफ्टी रुपीज़ तो ठीक है यार, यहाँ के हिसाब से इतनी दूर है पेंगोंग लेक, तो इस हिसाब से तो ठीक है, 50 रुपीज़ बहुत है यार। ये देखिए आप यार, सच्ची में इस जगह के बारे में क्या क्या बोलूँ, क्या क्या ना बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मन कर रहा है कि वीडियो 3 घंटे डाल दूँ यहाँ की बना के पेंगोंग लेक के, पर यार ऐसा थोड़ी हो पाएगा, क्या डालूँ क्या ना डालूँ, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। कल जैसे कि आपने देखा था थोड़ी बहुत भीड़ यहाँ पर थी, इस टाइम नहीं है। सुबह के मैं टाइम बताता हूँ आपको, सुबह का टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं, और इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे, हवा बहुत तेज़ चल रही है। ये देखिए आप, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेक, मज़ा आ गया यार यहाँ करना, सच्ची दिल बाग बाग हो गया एकदम मस्त करके, बढ़िया मज़ा आ गया। और गाइस, कल हमारा प्लान था कैंपिंग करने का, टेंट लगाने का, तो आपको पता ही है, अभी मैंने आपको जैसे कि दिखाया कि बर्फ़ जमी हुई है पानी में, तो कितनी ज़्यादा ठंड है, धूप अभी निकल रही है, अभी निकली है धूप, और कल हम टेंट इसलिए नहीं लगा पाए, तो हमें टेंटिंग कैंपिंग ही करनी थी, टेंट नहीं लगा पाए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। सॉरी गाइस, माफ़ करना मुझे, अगली बार जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगा कहीं भी ट्रिप हमारा प्लान होगा, तो मैं आपको ज़रूर टेंट कैंपिंग करके ज़रूर दिखाएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं दिखाएंगे। दूसरी बात, ये जो हमारा सामान है टेंट का, ये सब ऐसी आया और ऐसे ही चला जाएगा, पर चलो कोई नहीं, पर हम मैं आपसे वादा ज़रूर करता हूँ, अगली बार नेक्स्ट टाइम जब भी हम कहीं जाएंगे ना, आपको कैंपिंग जरूर करके दिखाएंगे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम, बस आप व्यूज़ का नज़ारा उठाइए। पानी देखिए, कल तो लहरें बहुत तेज आ रही थी, आज नहीं आ रही, हवा तो आज भी चल रही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही, आज शायद हवा उधर की है, कल हमारी साइड की थी, तो इस वजह से आज लहरें ज़्यादा नहीं आ रही,
कमी आ रही है। बिल्कुल देखिए कितना साफ पानी है, दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल साफ पानी है एकदम बढ़िया। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि ये जो पेंगोंग लेक है 40% इंडिया में है, 60% चाइना में है, तिब्बत में। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जो इसका सोल्टेड पानी है, नमकीला पानी, वो जो इसमें सोल्टेड पानी है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में है, चाइना में नहीं है। सिर्फ ओनली भारत में है सोल्टेड पानी, नमकीला पानी एकदम भारत में है, चाइना में नहीं है वो पानी। सुना है हमने, एक दो बंदों से सुना भी है हमने, और थोड़ी हमने गूगल से जानकारी भी ली थी, तभी हम आपको बता रहे हैं। अदरवाइज़ हमको जब कुछ नहीं पता तो हम आपको भी कोई गलत नहीं बताएंगे। गाइज यहाँ पे पता नहीं मम्मी को क्या पत्थर मिल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे पत्थर हैं, कौन से पत्थर हैं, चूहे जा रही हैं। देखिए ये देखिए चूही जा रही है, पता ना क्या यहाँ कैसे पत्थर है, हमें समझ ही नहीं आई। कल भी आई थी तो कल भी चुगने लगी, अब आई तो अब भी। कोई नहीं, हम आपके लिए आगे लेके चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं, हम वहाँ लेके चलते हैं आपको। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया पेंगोंग लेक के बारे में। पेंगोंग लेक जो लंबाई है पेंगोंग लेक की, वो 104 किलोमीटर की है, और उसमें से मैंने आपको जैसे बता ही दिया कि 40% हमारे भारत में, 60% तिब्बत चाइना में है। 104 किलोमीटर लंबी है, अब अंदाज़ लगा दिया कितनी बड़ी होगी, कितनी लंबी। अरे यार बहुत बड़ी है यार, सच्ची में मज़ा आ गया देखने में, पैरा बर्बाद नहीं हो, मज़ा आ गया। तो गाइस इस खूबसूरत ब्यूटीफुल जगह को छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा, पर समय आ गया है, मैं बाय बाय बोलता हूँ पेंगोंग लेक को। हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर आएंगे, अगर भगवान जी की इच्छा हुई तो हम बार बार यहीं आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, लेह लद्दाख सीधा पेंगोंग लेक। इतनी ब्यूटीफुल जगह यार, सच्ची मन नहीं भर रहा यहाँ से जाने का, पर कोई बात नहीं, यहाँ से जाना ही पड़ेगा, छोड़ने का समय आ गया है। चलो बाय बाय करते हैं, लास्ट व्यू आपके लिए, और एक आधा व्यू हम रास्ते में से लेंगे आपके लिए, और चलते हैं अभी वहाँ पे। गाइस देखिए कितने ब्यूटीफुल हैं यार, नाम ध्यान नहीं आ रहा, कल तक नाम ध्यान था। वही बात है ना, जब किसी चीज़ पर आ जाओ और फिर उसका नाम ध्यान ना आए तो दिमाग ख़राब होता है। अब भूल गया नाम, ध्यान नहीं आ रहा, जुबान पा रहा पर बोलना नहीं आ रहा मुझे नाम, मतलब ध्यान नहीं है नाम, पर कोई बात नहीं। आप देखिए मैं इसी के ऊपर ही खड़ा हूँ, देख लीजिए कितने सुंदर लग रहे हैं, एक आधी फ़ोटो वोटो वगैरह हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, बहुत बढ़िया लग रहे हैं, इन पर कूदेंगे हम अभी, कभी कूदने कूदने में थंबनेल ना मिल जाए हमें। बहुत बढ़िया लग रहा है, पानी भी है यहाँ पे, बहुत बढ़िया व्यूज के साथ मजे। ये देखिए मम्मी पापा फोटो क्लिक कर रहे हैं, गाड़ी अपनी है खड़ी, व्यूज के साथ फुल मजे, बढ़िया मजा आ रहा है। अभी एक आधी रील वील बनाएंगे, फिर हम निकलेंगे यहाँ से आगे के लिए। गाइस जैसे कल मैंने आपको दिखाया था हमारी लोकेशन, कुछ कल हम यहाँ पे रुके थे गाड़ी, कल मैंने आपको दिखाया था कि ऊपर से लैंडस्लाइड हो रही थी, तो आज वहाँ जेसीबी और एक ट्रक खड़ा है, ऊपर से कुछ मलो वगैरह लेके जा रहे हैं क्योंकि रोड बन रही है आगे, इस वजह से कल हमने ड्रोन उड़ाने की, हमारा मन था कि हम ड्रोन उड़ाएं और कल हम उड़ा नहीं पाए, तो इस वजह से हम आज यहाँ पे रुके हैं। आज फोटो वोटो भी क्लिक करेंगे और ड्रोन भी हम यहाँ पे उड़ाएंगे, तो चलो अभी उड़ाते हैं, सेटअप करते हैं, खोलते हैं, उसके बाद मिलते हैं।
देखिए गाइस व्यू यहाँ के भी बहुत सुंदर है। सोल तक यहाँ से 21 किलोमीटर रह गया है। ईस्ट और वेस्ट रो इज द बेस्ट ये लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए रोड कितनी अच्छी है। गाइस देखिए ये खड़ा डियर, ये देखो दिख ही गया हमें, देखो कैसे देख रहा है। साइड में करो गाड़ी, सामने जा रही है वो, देखो वो भाग रहा है उधर। लग रहा ना कितना अच्छा। ये पता नहीं है क्या कर रहा होगा। एक राइट में भी पापा बता रहे हैं, वो तो गया नीचे, ये यहीं खड़ा है देख रहा है मैं। चलो देख रहा है, देखो कैसे देख रहा है। बाय 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 डियर। देखिए लेक कितनी सुंदर लग रही है ना, रिफ्लेक्ट पड़ रहे हैं, सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो इसलिए देखिए कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ बोटिंग वगैरह होती है वहाँ पे सामने। ये देखिए कितने सारे याक हैं यहाँ पे, कम से कम 50-60 तो आएंगे ही होंगे, बहुत सारे याक हैं। आज फिर खराब रोड मिल रही है हमें, टाइल लगेंगी इस रोड पे, नीचे टाइल लग रही है। कार्य प्रगति पे है अभी, खराब रोड है, दूर दूर तक तो अभी यही दिख रही है, खराब ही है। गाइस चांगला पास हम आ गए हैं, ये देखिए चांगला पास है आपका 17,586 फीट पे है। हर घर तिरंगा, होस्टिंग नेशनल फ्लैग एट चांगला, एल्टीट्यूड है 17,586 फीट, वर्ल्ड 10th हाईएस्ट मोटरेबल पास है ये, वर्ल्ड का 10th हाईएस्ट पास है ये, वर्ल्ड का 10th। सामने ग्लेशियर देखिए, बर्फ, मजा बढ़िया। ये टहल यहाँ से जा रही है, वो भारी टहल है भैया, भारी टहल है ये टहल, जो काम चल रहा था ना यहाँ से जा रही है वो, बहुत सारी रखी यहाँ पे, वहाँ भी रखी हुई है। गाइस ये है गरुड़ा, ये लिखा है यहाँ पे, पढ़ लेना पोज करके, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये रोड बहुत ख़राब भी है और रिस्की भी है बहुत, और यहाँ पे तो बहुत सेफ चलानी चाहिए, ऊपर पहाड़ से पत्थर वत्थर भी गिरने का डर रहता है, बहुत सेफ चलानी चाहिए। यहाँ पे ना आपको कोई मैकेनिक मिलेगा, ना कोई कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको, दूर दूर तक कोई नहीं है यहाँ पे। वो देखिए वो सामने रोड दिख रही होगी आपको शायद, हमें वहाँ जाना है, तो इसलिए सेफ चलें, सुरक्षित चलें, आंखें खोल के चलें, बंद करके ना चलें कृपया करके। ए गाइस मिलिट्री का कॉन्वॉय आ रहा है, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें देखना आपको। थी पीछे आके सो गए थे, पापा भी गाड़ी चला रहे, मम्मी आगे बैठी है, और आंख लग गई थी, अभी उठा हूँ। और ये देखिए आप, मनाली राइट हैंड, यहाँ से मनाली हमें राइट हैंड की तरफ जाना है, सीधा पेंगोंग चला जाएगा, मनाली राइट सीधा पेंगोंग। तो अभी हम यहाँ से निकल गए हैं, पेट्रोल की टंकी फुल करवा ली है और हम निकल गए मनाली के लिए। गाइस ये देखिए हमारे साथ साथ नदी जा रही है, कितनी सुंदर लग रही है ना यार, सच्ची में ऑसम व्यू है एकदम यहाँ के।
आज की लोकेशन कुछ हमारी आज ऐसी है, ये देखिए आप, व्यूज़ के साथ, हरियाली के साथ, ग्रीनरी के साथ, पेड़ों के साथ यहाँ हम बना रहे हैं आज खाना। और मम्मी पापा उधर खाना बना रहे हैं, गाड़ी हमने कर दी बंद। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा रोड, पहले आप ये व्यूज़ का मज़ा लीजिए, कितने अच्छे पेड़ लग रहे हैं, पेड़ों की छाया में बैठे हैं, मस्त बढ़िया मज़ा आ जाएगा। और अभी चलते हैं, आपको रोड दिखाते हैं। गाइस ये रोड देखिए, लेटू मनाली वाली कितनी सुंदर है, कितनी बढ़िया बना रखी है चकाचक। बीच बीच में कहीं कहीं ख़राब भी है थोड़ी थोड़ी, वो अभी ठीक कर ही रहे हैं, बाकी रोड एकदम चकाचक। ये देखिए आप, गाइस अपना खाना आ गया है, दाल बनाई है और चपाती है, सैलेड है, मिर्च है, मज़ा आ जाएगा खाने में, बढ़िया खाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। गाइस खाना वाना खा के हम निकल रहे हैं, अब गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से और अब निकल रहे हैं हम। देखिए गाइस बिल्कुल रेड कलर के पहाड़ है, कितने मतलब कैसे अजीब से पहाड़ है एकदम, है मतलब जैसे कोई ड्रैगन टाइप नहीं होता, ऐसे से पहाड़ है। देखो ये देखिए, तो गाड़ी अब हम चला रहे हैं, पापा को हमने बैठा दिया साइड में कि आप अब आराम करो, फिर हम चला रहे हैं, जब हम थक जाएंगे फिर पापा चलाएंगे, ऐसे ही मिल बांट के चला लेंगे हम गाड़ी। को वो रास्ता दिख रहा है सामने, हमें वहाँ से जाना है। रोड एकदम मस्त बढ़िया बनी हुई है यार, सच्ची में ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हमें ऐसी रोड मिलेगी, पर सच्ची बहुत बढ़िया रोड है, बहुत अमेजिंग बढ़िया, इसलिए ही हम अपनी मेनटेन कर रखी है अपने हमारी स्पीड। व्यू तो यहाँ के बहुत अमेजिंग है ही है, उसमें तो कोई बताने वाली बात है नहीं, बहुत अच्छे व्यू हैं यहाँ के।